नमस्कार दर्शकों, स्वागत है आप सभी का सी न्यूज के हमारे इस खास कार्यक्रम सी हेल्थ में और आपके साथ मैं हूं नंदिनी पाठक। जैसा कि दर्शकों, हम अपने कार्यक्रम के माध्यम से आप तक उन महत्वपूर्ण जानकारियों को पहुंचाने की कोशिश करते हैं जिनके बारे में या आपको पता नहीं है या फिर जो चीजें हैं वो कहीं ना कहीं आपके दिमाग में पूरी क्लियर नहीं है। तो इस खास कार्यक्रम के माध्यम से उन तमाम महत्वपूर्ण बिंदुओं पर हम चर्चा करते हैं हमारे स्टूडियो के माध्यम से। और हमारे स्टूडियो में हर बार हमारे एपिसोड में हमारे साथ होते हैं तमाम एक्सपर्ट्स। ऐसे ही आज हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं डॉक्टर सागर लवानिया, जो कि मनोचिकित्सा विभाग में एचओडी हैं, प्रोफेसर हैं ये एसएन में, इन्होंने 7 साल काम किया है और अभी ये एफएच मेडिकल कॉलेज में एचओडी पद पर है और ये उन तमाम बीमारियों के निवारण के लिए लोगों को जागरूक करते हैं, ये लेक्चर भी लोगों को देते हैं ताकि जो कहीं ना कहीं लोगों के दिमाग में भ्रांतियाँ बनी हुई हैं उनसे लोग निकल कर जो चिकित्सा विभाग की जो नई तकनीकें हैं उनके माध्यम से अपनी बीमारियों को ठीक कर सके। तो सबसे पहले डॉक्टर का स्वागत करेंगे अपने स्टूडियो में। डॉक्टर, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे स्टूडियो में। नमस्कार, धन्यवाद। आपको बता देते हैं दर्शकों कि डॉक्टर सागर लवानिया अपना क्लिनिक भी चलाते हैं कमला नगर में, जो कि वहाँ पर जाके आप इनसे संपर्क कर सकते हैं और अगर आपको कुछ ऐसी लगता है कि आपको प्रॉब्लम है तो आप इनके पास जा सकते हैं। तमाम ट्रीटमेंट हैं जिनसे आप ठीक हो सकते हैं। तो आज चर्चा करेंगे, हमारा विषय है आज का मनोविकार को लेकर, यानी कि मेंटल इलनेस क्या होती है इसके बारे में चर्चा करेंगे, इनके लक्षण क्या होते हैं, इनका ट्रीटमेंट कैसे करा सकते हैं आप, तमाम चर्चाएँ होंगी हमारे इस एपिसोड में। तो चर्चा शुरू करते हैं और सबसे पहले डॉक्टर से जानेंगे, डॉक्टर मेंटल इलनेस क्या होती है और ये कैसे फिजिकल इलनेस से डिफरेंट है? देखिए, मेंटल इलनेस यानी कि मानसिक बीमारी होती है, ये एक माइंड की बीमारी होती है। तो जितनी भी माइंड की बीमारियां हैं, जैसे डिप्रेशन है, एंजाइटी है, स्किज़ोफ्रेनिया है, ऑब्सेसिव कंपल्सिव डिसऑर्डर है, ये सारी जो बीमारियां हैं ये मेंटल इलनेस के अंतर्गत आती है, उसके अंदर आती है। अब ये अगर फिज़िकल इलनेस से अगर आप इसे डिफरेंशिएट करें, सबसे पहले तो ये बाकी जैसे फिज़िकल बीमारी होती है, जैसे आप डायग्नोस करते हैं फिर उसको ट्रीटमेंट करते हैं, पेशेंट को अगर एडमिशन की रिक्वायरमेंट होती है तो एडमिट करते हैं, फिर उसके बाद ट्रीटमेंट स्टार्ट होता है जी, दवाइयाँ देते हैं और फिर धीरे धीरे फिज़िकल बीमारी, जैसे अगर आप बोलें मलेरिया है या ट्यूबरक्लोसिस है या कोई भी फिज़िकल बीमारी है, तो उसका इस तरीके से इलाज होता है कि आप उसको पेशेंट को देखते हैं, फिर साइन सिम्टम्स और जो भी इन्वेस्टिगेशन होता है उस बेसिस पे एक डायग्नोसिस बनाते हैं और उसको पेशेंट को या तो इन पेशेंट ट्रीट करते हैं या आउट पेशेंट ट्रीट करते हैं, दवाइयां देते हैं और धीमे धीमे वो पेशेंट सही हो जाता है जी। सिमिलरली मेंटल इलनेस भी ऐसी ही बीमारी है जी, लेकिन इसमें कुछ डिफरेंसेस हैं। जैसे कि अगर आप इन्वेस्टिगेशन की बात करें तो जाँचें ज़्यादातर मेंटल इलनेस में इसलिए कराई जाती हैं जिससे हम फिजिकल बीमारी को रूल आउट कर सकें। जैसे अगर आपको डिप्रेशन है तो आपका अगर सीटी स्कैन एडवाइस किया जाता है तो वो जनरली इसलिए किया जाता है कि कोई उसमें ब्रेन में कोई चेंजेस तो नहीं है, ब्रेन में कोई विकार तो नहीं है जिसकी वजह से डिप्रेशन हो रहा है। तो एक तो ये चीज़ है कि इन्वेस्टिगेशंस इसमें ज़्यादातर रूल आउट करने के लिए किए जाते हैं, जबकि फिजिकल बीमारी में इन्वेस्टिगेशन से आप डायग्नोस्टिक कंक्लूजन तक पहुँचते हैं जी। तो अगर हम बात करें कि दर्शकों के मन में कहीं ना कहीं ये होता है कि जो मेडिकल टर्म्स हैं बीमारियों के वो उनको समझ नहीं आते, तो अगर हम बात करें लक्षणों की, तो क्या ऐसे लक्षण होते हैं जो अगर किसी पेशेंट में स्टार्टिंग में वो ये आइडेंटिफाई कर सकता है कि उसको कुछ बीमारी हो सकती है मेंटल इलनेस के रूप में, तो वो क्या लक्षण होते हैं? देखिए, फिजिकल बीमारी को जैसे आप डायग्नोस करते हैं उसमें इन्वेस्टिगेशन इंपॉर्टेंट होते हैं, लेकिन मेंटल इलनेस में ज़्यादातर डायग्नोसिस हिस्ट्री और मेंटल स्टेटस एग्जामिनेशन यानी कि पेशेंट से हम बात करके एस्टेब्लिश करते हैं। तो जब आपने किसी भी पेशेंट से बात करेंगे तो आप उसमें मेंटल स्टेटस एग्जामिनेशन करेंगे और गार्जियन से और पेशेंट को इंक्लूड करके उस बीमारी की हिस्ट्री लेंगे, जैसे कब से स्टार्ट हुआ, क्या क्या लक्षण थे, उस बेसिस पे आप डायग्नोस करेंगे। तो जैसे कुछ कॉमन लक्षण बता दूँ, जो मोस्ट कॉमन जो बीमारियाँ हैं मेंटल इलनेस की, जो कॉमन बीमारियाँ जिसको हम लोग कॉमन मेंटल डिसऑर्डर कहते हैं, उसमें डिप्रेशन, एंग्जाइटी डिसऑर्डर, ये बीमारियाँ आती हैं जी। अगर डिप्रेशन की बात करें तो उसके कॉमन सिम्टम्स हैं लो मूड यानी उदास रहना, डिक्रीज इंटरेस्ट यानी कि अपने हॉबीज़ में या अपने काम में मन कम लगना, और फटीगेबिलिटी यानी कि जल्दी से थक जाना, जल्दी उसी काम को जिसको आप पहले करके नहीं थक रहे थे उससे आप थक जाएंगे जल्दी। इसके अलावा और भी चीज़ें हैं जैसे कि डिक्रीज सेल्फ एस्टीम, आत्मविश्वास का कम हो जाना, सुसाइडल आइडिएशन, आत्महत्या के विचार आना मन में जी।
ये डिप्रेशन के हैं। बाकी और लक्षणों की बात करें अगर एंग्जाइटी के, तो घबराहट होती है, बिना बात के घबराहट होती है, ऐसा लगता है कि हाथ पांव ठंडे हो गए, ऐसा कई बार कुछ लोगों को पैनिक अटैक्स होते हैं, लगता है कि मरने जैसी स्थिति आ जाती है, पैल्पिटेशन तेज, दिल धड़कने लगता है, हाथ पांव ठंडे पड़ जाते हैं, पसीना आता है, ब्रेथलेसनेस होने लगती है, और ये कुछ मिनट के लिए होती है, उसका कोई कारण नहीं होता। जैसे कि अगर आपको बोले कि ये एस्थमा में भी होती है, लेकिन एस्थमा का एक कारण होता है उसका एलर्जिक रिएक्शन होता है। अगर ये एलर्जिक रिएक्शन नहीं हो रहा होता है और आपको बिना बात के घबराहट हो रही है और उसको इन्वेस्टिगेशंस में कुछ नहीं आ रहा है, कार्डियक इन्वेस्टिगेशन में या ब्लड इन्वेस्टिगेशन में, तो चांसेस बहुत हाई हैं कि आपको जनरलाइज्ड एंग्जाइटी डिसऑर्डर यानी कि एंग्जाइटी की बीमारी हो जी। और जो बीमारियों की अगर हम बात करें तो ऑब्सेसिव कंपल्सिव डिसऑर्डर भी आती है, जिसमें जरूरत से ज़्यादा हाथ धोने की बीमारी, बार बार हाथ धोना, बार बार गंदगी का विचार आना, ये शामिल है जी। जैसे कई बार महिलाओं में ये चीज़ देखी जाती है कि सफाई तक तो ठीक है, लेकिन कहीं ना कहीं वो बढ़ती जाती है और उसके बाद एक पॉइंट ऐसा आ जाता है जहां उनको हर जगह पे ऐसा लगता है कि गंदगी है और वो बार बार सफाई करती हैं, तो ये एक सिम्टम्स हो सकते हैं मेंटल इलनेस के, और आपको सतर्क रहने की ज़रूरत है। दर्शकों आपको बता देते हैं, जैसा कि आज हम चर्चा कर रहे हैं हमारे स्टूडियो में डॉक्टर सागर लवानिया कि आप जो मेंटल इलनेस है उसको आपको गंभीरता से लेने की ज़रूरत है, कहीं ऐसा ना हो कि जो छोटी छोटी बीमारियां हैं वो बड़ा रूप ले ले। चर्चा आगे बढ़ाते हैं और डॉक्टर से जानेंगे। डॉक्टर, ये तो हमने बात की लक्षणों के, अगर कारणों की बात करें तो आजकल जो मेंटल इलनेस है वो कहीं ना कहीं बढ़ती जा रही है, चाहे यूथ हो या फिर बड़े लोगों में भी ये डिप्रेशन की जो समस्या है वो तो पहले से थी, लेकिन अब यूथ में भी ये चीज़ बढ़ती जा रही है, तो उसके क्या कारण है? मेंटल इलनेस के बढ़ने का एक बहुत बड़ा कारण है कि हमारा जो एनवायरनमेंट है वो चेंज हो रहा है। आज से जो 50 साल पहले एनवायरनमेंट था, जो हमारा वातावरण था आसपास का, वो वैसा नहीं रहा है, अब करेंट स्थिति में नहीं रहा है, तो चेंज हो गया है। चेंज सब तरीके से हुआ है, बायोलॉजिकल चेंजेस आए हैं, फिजिकल चेंजेस बॉडी के अंदर आए हैं, प्लस साथ में एनवायरमेंटल चेंजेस इन द सेंस कि पहले जो जॉइंट फैमिली सेटअप हुआ करता था वो अभी न्यूक्लियर फैमिली ज़्यादा हो रही है। लोगों का जो पहले सपोर्ट ग्रुप हुआ करता था वो चेंज हो गया है, अभी सपोर्ट ग्रुप दूसरे हो रहे हैं। पहले जो जॉइंट फैमिली में आप देखते होंगे कि दादा दादी ये सब लोग एक साथ रहते थे, ब्रदर्स साथ में रहते थे, भाई एक साथ रहते थे, तो कई फैमिलीज एक साथ सपोर्ट ग्रुप बना लेते थे अपना, पर ऐसा अब नहीं है, अभी चेंज हो गया है। वो दोनों चीज़ के पॉजिटिव और निगेटिव आस्पेक्ट हैं। तो स्ट्रेस अभी जो आता है वो डिफरेंट फॉर्म में आता है, स्ट्रेस पहले भी था, स्ट्रेस अभी भी है, लेकिन जो डी स्ट्रेसर्स थे जो आपको स्ट्रेस कम कर देते थे वो अभी कुछ कम हो गए हैं पहले की तुलना में। आदमी एक महत्वाकांक्षी आदमी हो गया है, ज़्यादातर जॉब के पीछे मटेरियलिस्टिक आदमी हो गया है, तो उसके पीछे भाग रहा है, नौकरी अभी करना बड़ा मुश्किल हो गया है। पहले लोग ईजी गोइंग हुआ करते थे, अभी वो सब चेंज हो गया है। तो इन सब के कारण एक मेंटल इलनेस बढ़ी है, प्लस एक और कारण है कि अभी लोग रिकॉग्नाइज पहले से ज़्यादा कर रहे हैं। पहले अगर किसी को माइल्ड या मॉडरेट लेवल का डिप्रेशन हुआ करता था तो वो उससे काफ़ी लंबे समय तक ग्रसित रहता था, लेकिन अभी लोग इसको रिकॉग्नाइज कर रहे हैं, लोग आइडेंटिफाई कर रहे हैं मेंटल इलनेस को और साइकियाट्रिस्ट के पास जा रहे हैं, तो पहले से इस दिशा में चेंजेस आए हैं जी। तो अगर कारणों की बात करें तो दर्शकों, जैसा कि डॉक्टर ने बताया कि जो बढ़ते जो परिवार, जो टूटते परिवार हैं वो कहीं ना कहीं एक बहुत ही महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहे हैं। आपको जो डिप्रेशन है कहीं ना कहीं इस भागदौड़ भरी ज़िंदगी में आपकी फैमिली एक पिलर की तरह काम करती है, आपको सपोर्ट देती है, वो कहीं ना कहीं न्यूक्लियर फैमिली की वजह से आपका डिप्रेशन बढ़ता जा रहा है। और भी कई कारण हैं, चाहे बात करें तो कहीं ना कहीं ये अवेयरनेस भी आई है, एक जो पहले लोग डॉक्टर के पास नहीं जाते थे, अब अगर कुछ छोटी सी भी बात होती है तो लोग डॉक्टर के पास जाते हैं, तो वो भी कहीं ना कहीं एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट हो जाता है। लेकिन चर्चा आगे बढ़ाते हैं और डॉक्टर से जानेंगे। डॉक्टर, आज जो कारणों की हमने बात की है, इसके बाद हम अगर एक यूथ की बात करें तो अब कितने एज ग्रुप के लोग आपके पास पेशेंट आते हैं, जो उसमें कौन से सबसे ज़्यादा एज ग्रुप के लोग होते हैं? अगर इससे पहले मैं एक कारण कुछ और बताना चाहूँगा यहाँ पे मेंटल इलनेस के, कुछ बायोलॉजिकल कारण हैं और कुछ एनवायरमेंटल कारण है, साइकोलॉजिकल इटियोलॉजी जिसको हम लोग बोलते हैं। तो बायोलॉजिकल इटियोलॉजी में आता है एक बड़ा इंपॉर्टेंट न्यूरो ट्रांसमीटर होता है, न्यूरो ट्रांसमीटर सीरोटोनिन, जिसकी कमी की वजह से डिप्रेशन हो जाता है।
सीरोटोनिन ऐसे ही है जैसे मैं आपसे बात कर रहा हूँ, ऐसे सीरोटोनिन एक न्यूरोट्रांसमीटर होता है जो एक नर्व दूसरी नर्व से जो बात करती है न्यूरोट्रांसमीटर की लैंग्वेज में, तो वो सीरोटोनिन इस्तेमाल करती है। जब इसकी कमी आती है तो देखा गया है डिप्रेशन और एंग्जाइटी होते हैं। सिमिलरली एक डोपामिन न्यूरोट्रांसमीटर होता है, अगर वो बढ़ जाता है डोपामिन तो साइकोसिस यानी तेजी के लक्षण आते हैं, उन्माद के लक्षण आते हैं, कुछ लोगों को शक होने लगता है कि लोग उसके पीछे हैं, उनको परेशान कर रहे हैं। तो ये कारण हो गए, कुछ बायोलॉजिकल और कुछ जेनेटिक कारण होते हैं। अगर जैसे आपके पेरेंट्स में कुछ साइकेट्रिक इलनेस है तो आप में होने के चांसेस ज़्यादा हैं एज़ कम्पेयर टू जनरल पॉपुलेशन। जी, अब आते हैं जो आपने क्वेश्चन पूछा एज ग्रुप के बारे में। एज ग्रुप का हमारे पास सभी एज ग्रुप के लोग आते हैं, स्टार्टिंग फ्रॉम 5 ईयर्स 4 ईयर्स से लेके ओल्ड एज तक 60, 70, 80, 90 पूरा एज ग्रुप इन्वॉल्व होता है। लेकिन जो बीमारियां हैं वो एज ग्रुप के हिसाब से डिवाइडेड हैं। जैसे जनरली जो बीमारी होती है जो शुरुआत में होती है वो ज़्यादातर मेंटल रिटार्डेशन, ऑटिज़म या अटेंशन डेफिसिट हाइपरकाइनेटिक डिसऑर्डर जिसको ADHD कहते हैं, वो जनरली यंग एज में होती हैं। और जो मिडिल एज ग्रुप में होते हैं जो एडोलेसेंट में होती है वो ज़्यादातर रिलेशनशिप प्रॉब्लम्स, स्ट्रेस डिसऑर्डर, डिप्रेशन, एंग्जाइटी ये होती हैं। फिर उसके बाद अगर बात करें तो स्किज़ोफ्रेनिया या बाइपोलर अफेक्टिव डिसऑर्डर या मैनिक एपिसोड्स आते हैं। फिर लेट एज में अगेन डिमेंशिया या डिप्रेशन ये आने लगते हैं। तो ये एक पूरा स्पेक्ट्रम ऑफ साइकेट्रिक इलनेस अगर देखा जाए तो स्टार्टिंग फ्रॉम 3 to 4 to 5 ईयर्स कह सकते हैं, और वो जीवन के अंत तक कभी भी हो सकता है। जी, जैसे कि आपने बताया 4 to 5 ईयर्स के बच्चों में भी आजकल ये बीमारियां देखने को मिल रही हैं, तो अगर हम पेरेंट्स की बात करें तो 4 to 5 ईयर्स के जो बच्चे हैं उनमें किस तरीके के लक्षण होते हैं या बीमारियां अब देखने को मिलती हैं जो पेरेंट्स को अलर्ट होने की ज़रूरत है कि कहीं उनका बच्चा इसकी चपेट में ना आ जाए? बिल्कुल सही सवाल पूछा आपने, क्योंकि हम लोग अभी यूथ की बात कर रहे हैं तो यूथ स्टार्ट होने से पहले चाइल्डहुड आता है। जी। तो चाइल्डहुड में जो बीमारियां कॉमन हैं वो मेंटल रिटार्डेशन है, जैसे बुद्धि का स्तर जिसमें कम होता है। बच्चे को अगर आप क्लास में डालते हैं, जैसे जनरली हमारे यहाँ ट्रेंड है 3 ईयर्स से 4 ईयर्स के आसपास बच्चे को क्लास में डालते हैं, तो उसी समय जब आप बच्चे को क्लास में डालते हैं तब पता चलता है कि बाकी बच्चों के कंपैरिजन में, बाकी बच्चों की तुलना में आपका बच्चा अच्छे से परफॉर्म नहीं कर रहा है। तो उस समय पता चलता है आपको कि आपको किसी साइकेट्रिस्ट को दिखाने की ज़रूरत है। लोग सजेस्ट तभी करते हैं क्योंकि प्रॉब्लम तभी रियलाइज़ होती है। जी। तो 3 से 4 ईयर्स के आसपास आप जब साइकेट्रिस्ट के पास जाते हैं तो पता चलता है कि बुद्धि का स्तर उनका कम है, जिसमें वो पढ़ाई के अलावा बाकी चीज़ें भी जैसे रोज़मर्रा की एक्टिविटीज़ जो होती हैं, ब्रश करना है, कपड़े पहनना है, या सेल्फ केयर होती है के अलावा सेल्फ प्रोटेक्शन भी होता है, जैसे अगर आग जल रही है तो उसमें हाथ नहीं डालना है। तो ये सब चीज़ें बच्चे को देर में समझ में आती हैं, उसे मेंटल रिटार्डेशन कहते हैं। इसके अलावा ऑटिज़म एक बीमारी है जिसमें बच्चों का कम्युनिकेशन स्किल्स में प्रॉब्लम आता है, लैंग्वेज के अलावा कम्युनिकेशन, जैसे आप हमसे बात कर रहे हैं तो आई कांटेक्ट बना रहे हैं, तो जेस्चर से पता कर रहे हैं, आई कांटेक्ट से पता कर रहे हैं कि आप हमसे बात कर रहे हैं। लेकिन अगर ऑटिस्टिक बच्चा होता है तो वो आई कांटेक्ट नहीं बना पाता है प्रॉपर, और उसके अलावा उसके बाकी जो स्किल्स होते हैं उसमें भी प्रॉब्लम आती है। तो ये ऑटिज़म होता है, ये जनरली चाइल्डहुड में आता है। जी। इसके अलावा ADHD एक बीमारी होती है जिसको आजकल ज़्यादा हाइप भी मिल रहा है, जिसको अटेंशन डेफिसिट हाइपरकाइनेटिक डिसऑर्डर कहते हैं, जो बच्चे बहुत ज़्यादा शैतानी करते हैं, एक जगह पे नहीं बैठ पाते, चंचल होते हैं, ज़रूरत से ज़्यादा चंचल होते हैं, इतने चंचल कि वो अपनी पढ़ाई लिखाई, गेम्स, एक्टिविटी किसी में पार्टिसिपेट नहीं कर पाते हैं। जब से ज़रूरत से ज़्यादा हो जाता है तब उसको ADHD की डायग्नोसिस में आ सकते हैं ऐसे बच्चे, ऐसी बच्चों को अटेंशन डेफिसिट हाइपरकाइनेटिक डिसऑर्डर होता है। जी, तो दर्शकों आपको बता देते हैं आज हम चर्चा कर रहे हैं मनोविकार के बारे में, यानी कि मानसिक बीमारियां जो हैं वो किस तरीके की हो सकती हैं, उनके क्या लक्षण हो सकते हैं, कैसे आप इनका ट्रीटमेंट करा सकते हैं। आगे की चर्चा बढ़ाएंगे लेकिन यहां रुकना होगा हमें एक छोटे से ब्रेक के लिए, ब्रेक के बाद जल्द हाजिर होंगे।
ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है और जैसा कि हम चर्चा कर रहे हैं मानसिक बीमारियों के बारे में डॉक्टर सागर लवानिया के साथ जो कि प्रोफेसर और एचओडी हैं एफएच मेडिकल कॉलेज में मनोचिकित्सा विभाग के एचओडी हैं ये और एसएन में भी काम कर चुके हैं 7 साल और इनका क्लिनिक भी है कमला नगर में इनका क्लिनिक है जहाँ पर आप इनसे संपर्क कर सकते हैं अगर आपको जो अभी तक महत्वपूर्ण जानकारियाँ जो लक्षण बताए हैं डॉक्टर ने अगर आपको वो दिखाई देते हैं अपने बच्चे में या फिर खुद में या अपने परिवार के किसी सदस्य में आपको ये लक्षण दिखते हैं तो आपको तुरंत चिकित्सक से परामर्श करने की ज़रूरत है। चर्चा आगे बढ़ाते हैं और जानेंगे कि कैसे इनका ट्रीटमेंट किया जा सकता है इन बीमारियों को आप कैसे रोक सकते हैं। डॉक्टर अगर बात करें आज जैसे हम ब्रेक पर जाने से पहले चर्चा कर रहे थे कि बच्चों में भी ये बीमारियाँ हो सकती हैं अगर बात करें ट्रीटमेंट की तो एक मेंटल पेशेंट अगर कहा जाए तो उससे कहीं ना कहीं लोग डरते हैं तो क्या भ्रांतियाँ हैं लोगों के मन में मानसिक बीमारियों को लेकर और इनका ट्रीटमेंट कैसे किया जा सकता है। बहुत ही अच्छा सवाल पूछा आपने। हम अपने जितने भी लोग जब भी हम पब्लिक किसी भी फोरम पे जाते हैं तो इस सवाल को हम हमेशा सुनना चाहते हैं कि क्या भ्रांतियाँ हैं। सबसे बड़ी भ्रांति ये होती है कि आदमी को अगर किसी भी व्यक्ति को बोला जाए आप साइकेट्रिस्ट को दिखाओ जी उसका एक ही रिएक्शन होता है मैं तो पागल नहीं हूँ। जी बिल्कुल। और ज़्यादातर मेंटल पेशेंट्स में जो सबसे बड़ी प्रॉब्लम हमारे सामने फेस होती है वो ये होती है कि एक तो वो बीमारी मानने तैयार नहीं होते तो जब बीमारी नहीं मानने तैयार होते हैं तो दवाई खाने तैयार नहीं होते हैं और जब दवाई नहीं खाते हैं तो उनका इलाज नहीं हो पाता तो ये एक बहुत बड़ी समस्या आती है और इसमें गार्जियन भी बहुत परेशान हो जाते हैं और कई बार ऐसा होता है इस परेशानी के कारण गार्जियन तो पेशेंट तो आता नहीं है साइकियाट्रिस्ट के पास साथ में गार्जियन भी उसको अपने पे छोड़ देते हैं और साइकियाट्रिस्ट के पास नहीं जाते हैं। तो इस इशू पे मैं आपको बताना चाहूँगा अभी बीमारियाँ जो हैं वह तो हैं साथ में हम लोगों का जो ट्रीटमेंट मोडलिटी है वो बहुत चेंज हो चुका है। अभी हम लोगों के पास डिपो इंजेक्शन्स आ गए हैं जिसमें आप एक महीने में अगर एक बार या 15 दिन में एक बार भी इंजेक्शन लगाएंगे तो मेडिसिंस पेशेंट के अंदर जाती रहेंगी और उसका लाभ पेशेंट को मिलता रहेगा। अगर बात करें कि पेशेंट नहीं समझ पाता है बीमारी को तो आप साइकेट्रिस्ट के पास फिर भी लेके जाएं क्योंकि साइकेट्रिस्ट जिस तरीके से पेशेंट से बात करता है वो बिल्कुल डिफरेंट होती है जैसे गार्जियन पेशेंट से बात करता है। तो एक बार साइकेट्रिस्ट को जरूर कंसल्ट करें क्योंकि मेडिसिन भी चेंज हो गई है और जो बीमारी समझाने का तरीका होता है पेशेंट को वो भी चेंज हो गया है जिससे पेशेंट को लाभ मिलता है। जी तो हाँ जी बताइए आपने ट्रीटमेंट के बारे में बात जी, कर रहे थे। ट्रीटमेंट हम लोगों का दो तरीके का रहता है एक तो फार्माकोलॉजिकल यानी दवाइयों से एक नॉन फार्माकोलॉजिकल यानी कि साइकोलॉजिकल ट्रीटमेंट जो होता है जो कि काउंसलिंग कॉग्निटिव बिहेवियर थेरेपी या साइकोथेरेपी के नाम से होता है और जो मेडिसिन से होता है वो जनरली हम लोग एंटी डिप्रेसेंट या एंटी साइकोटिक देते हैं एंटी एंग्जाइटी या कुछ सिडेटिव भी देते हैं डिपेंडिंग ऑन द डायग्नोसिस क्या है पेशेंट की और पेशेंट को क्या प्रॉब्लम है। जी तो ये दवाइयाँ किसी पेशेंट को अगर ट्रीटमेंट शुरू हो गया है तो कितने टाइम तक खानी पड़ती हैं जब तक वो एक नॉर्मल अवस्था में ना आ जाए यानी कि वैसे बिहेव नहीं कर रहा है पहले नहीं कर रहा था बिहेव नॉर्मली तो कितना टाइम लगता है एक पेशेंट को। अगर बीमारी का ड्यूरेशन छोटा है और बीमारी शॉर्ट ड्यूरेशन की है तो बहुत कम ट्रीटमेंट चलता है 1 हफ्ता से लेके 1 महीना 2 महीना। अगर लॉन्ग ड्यूरेशन की बीमारी है ड्यूरेशन लंबा है जैसे कई मेंटल इलनेस 2-2 साल के बाद पेशेंट हमारे पास आते हैं तो फिर ट्रीटमेंट उनका लंबा चलता है। इसमें एक चीज़ बताना चाहूँगा आप दवाई देते हैं पेशेंट सही हो जाता है वहाँ उसके बाद भी वहाँ पर भी ट्रीटमेंट स्टॉप नहीं करना है जब तक डॉक्टर नहीं बोले तब तक ट्रीटमेंट चलाना है उसका क्योंकि कई बार ड्यूरेशन लॉन्ग होता है ट्रीटमेंट का बीमारी ठीक हो जाती है उसके बाद भी ट्रीटमेंट चलता रहता है इसलिए जिससे कि आपके जब बीमारी सही हो जाए उसके बाद आपने दवाई बंद कर दी तो दोबारा से बीमारी ना आ सके इसको रोकने के लिए। जी तो जैसा कि आपने बताया कि इनकी तमाम दवाइयां हैं जिनसे ट्रीटमेंट किया जा सकता है उसके साथ साथ आप काउंसलिंग भी करते हैं पेशेंट की कि जल्द से जल्द कवर हो जाए। उसके अलावा अगर बात करें एनवायरनमेंट की तो वो कितना इम्पोर्टेंट हो जाता है एक मेंटल पेशेंट के लिए। देखिए एनवायरनमेंट बहुत ही इम्पोर्टेंट है मानसिक बीमारियों के लिए क्योंकि मानसिक बीमारियाँ केवल फिजिकल इलनेस की वजह से नहीं होती मेंटल इलनेस की वजह से भी होती हैं और मेंटल इलनेस सबसे बड़ा कारण आता है इसमें स्ट्रेस जो आजकल बहुत बढ़ गया है लोगों में देखा गया है तो स्ट्रेस आता ही एनवायरनमेंट से है जहाँ आप काम करते हैं वर्किंग प्लेस में आज अगर स्ट्रेस है तो आपके अंदर कहीं ना कहीं मेंटल इलनेस को बढ़ावा देगा। सिमिलरली एग्जामिनेशन में परफॉर्मेंस में अगर आपका स्ट्रेस है तो आपको मेंटल इलनेस की तरफ धकेलेगा
तो जो एनवायरनमेंट है इसको बहुत ही सेफ और सपोर्टिव होना चाहिए टुवर्ड्स द पेशेंट, सो दैट कि हम लोग उसका इलाज कर सकें और दवाइयाँ प्रॉपर तरीके से पेशेंट पे इफ़ेक्ट कर सकें। जी, तो डॉक्टर जैसे कि आप बता रहे हैं कि एनवायरनमेंट बहुत ही महत्वपूर्ण हो जाता है किसी भी पेशेंट के लिए, अगर बात करें अवेयरनेस की लोगों में, तो अब लोगों को अवेयर करने के लिए, इन सब बीमारियों से अवेयर करने के लिए वर्ल्ड मेंटल हेल्थ डे भी मनाया जाने लगा है, तो वो कितना इम्पॉर्टेंट है, और इस बार की जो थीम है मेंटल इलनेस इन यूथ इन दिस चेंजिंग वर्ल्ड, तो वो क्यों रखी गई और ये कितना इम्पॉर्टेंट हो जाता है? देखिए, बहुत समय से ये बात उठती थी कि मेंटल इलनेस जो है लोगों में बहुत कम जानकारी है इस प्रॉब्लम के बारे में। लोग मलेरिया के बारे में, टाइफाइड के बारे में, अभी पोलियो के इतने बड़े बड़े प्रोग्राम चल रहे हैं, तो लोग उसके बारे में जानते हैं और उससे कोई स्टिग्मा नहीं जुड़ा हुआ है किसी का भी। उसमें बोलने में कि हमको मलेरिया हो गया था, ये बोलने में कोई शर्माता नहीं है, कोई प्रॉब्लम नहीं होती। लेकिन किसी को अगर मेंटल इलनेस हो जाए, डिप्रेशन हो जाए, एंग्जाइटी हो जाए, स्किज़ोफ्रेनिया हो जाए, तो वो पड़ोसियों को या अपने रिश्तेदारों से ये बात छुपाता है, तो उसमें स्टिग्मा जुड़ा हुआ है मेंटल इलनेस में। तो इसको कैसे दूर किया जाए, तो इस पर बहुत समय से बात हो रही थी, चर्चा हो रही थी, और निष्कर्ष ये निकला कि हम लोग सारे साइकियाट्रिस्ट जो दुनिया के हैं, ये सब मिलके एक वर्ल्ड मेंटल हेल्थ डे मनाएंगे, जिसका एक डे डिसाइड किया गया और उस पर वर्ल्ड मेंटल हेल्थ डे मनाया जाता है 10 अक्टूबर को जनरली ज़्यादातर। जी, और इस बार की जो थीम है, हर बार थीम चेंज होती है, हर साल की नई थीम रखते हैं जिससे कि जागरूकता बढ़े, अवेयरनेस बढ़े। इस बार की थीम रखी गई है यूथ मेंटल हेल्थ इन दिस चेंजिंग वर्ल्ड। बहुत ही ज़रूरी और बहुत ही अच्छी थीम रखी गई है। उसका कारण यह है कि जो यूथ है, जो एडोलेसेंट से यंग एडल्ट वाला जो ग्रुप है, वो हम लोग मिस कर देते हैं कई बार जी। क्योंकि वो स्ट्रेस में अगर देखा जाए तो सबसे ज़्यादा वही एज ग्रुप है जो सबसे ज़्यादा जिस पे स्ट्रेस पड़ता है जी। कारण उसका है कि उसको परफॉर्मेंस देनी होती है बिल्कुल। और एक चेंजिंग सोसाइटी होती है, जैसे आप स्कूल से कॉलेज जा रहे हो, चेंज है। कॉलेज से आप वर्क प्लेस पे जा रहे हो, चेंज है। वर्क प्लेस पे अपने आप में चेंज हो सकते हैं, जैसे ट्रांसफ़र हो सकता है, बहुत बार आपकी पोस्टिंग नई जगह हो जाती है तो वो चेंज होता है। तो उस समय आपका, ये तो मैंने वर्क के बारे में बताया, इसके अलावा चेंज होता है आपकी मैरिटल लाइफ चेंज हो रही होती है, आप सिंगल से मैरिड स्टेटस में कई बार जा रहे होते हो, आपका रिलेशनशिप प्रॉब्लम उसी समय स्टार्ट होती है एडोलेसेंस से यंग एडल्ट एज ग्रुप में, आप पे प्रेशर इस समय परफॉर्मेंस का होता है हर तरीके से। तो अगर स्ट्रेस देखा जाए तो सबसे ज़्यादा इसी एज ग्रुप में होता है, इसलिए इस बार की थीम ये रखी गई है और मैं अप्रिशिएट करता हूँ इस थीम को। जी, तो डॉक्टर अगर हम बात करें, ये तो आपने बताया कि भागदौड़ भरी ज़िंदगी है, कहीं ना कहीं आपको परफॉर्मेंस देनी है, सबको फर्स्ट आने की चाहत है, तो अगर बात करें हम हार्मोनल चेंजेस की, तो वो भी कहीं ना कहीं एक इम्पॉर्टेंट रोल रखते हैं, लेकिन लोग उसे समझ नहीं पाते, तो उसके बारे में आप दर्शकों को क्या जानकारी दे सकते हैं? इसमें इम्पॉर्टेंट चीज़ ये है, जो चेंज, जो वर्ड यूज़ किया गया है, वो चेंज केवल वर्ड के लिए यूज़ नहीं किया गया, दुनिया चेंज हो रही है उसके लिए यूज़ नहीं किया गया है, वो चेंज इस बॉडी के अंदर से भी हो रहे होते हैं, जैसे फिजिकल चेंजेस कहते हैं, हार्मोनल चेंजेस कहते हैं, जो मेंस्ट्रुअल साइकिल स्टार्ट होती है फीमेल्स में, और जो मेल्स होता है उनमें ग्रोथ स्पर्ट होती है, जो उनका शरीर होता है वो बढ़ता है, तो वो उसके अंदर जो हार्मोनल चेंज होते हैं, अपोजिट सेक्स के लिए अट्रैक्शन फील होता है, इसी समय से स्टार्ट होता है। तो मेंटल चेंजेस भी हो रहे होते हैं फिजिकल चेंजेस के अलावा, और फिजिकल चेंज तो आप नोटिस कर सकती हैं, सामने से दिखते हैं, मेंटल चेंज दिख नहीं रहे होते हैं, लेकिन जो भी व्यक्ति होता है वो उसको अंदर से महसूस करता है। तो जब ये चेंजेस हो रहे होते हैं, तो कई बार ऐसा होता है कि आप जो एनवायरनमेंट से सपोर्ट फील करना चाहते हैं, जो पेरेंट्स से सपोर्ट लेना चाहते हैं, जो अपने फैमिली से सपोर्ट मिलता है, जो दोस्तों से सपोर्ट मिलता है, वो नहीं मिलता है। तो ऐसी स्थिति में मेंटल इलनेस के चांसेस ऐसे व्यक्तियों में बढ़ जाते हैं, और इस स्थिति में पीयर ग्रुप बहुत इम्पॉर्टेंट हो जाता है। और इसी समय पे देखा गया है कि लोगों में शराब की, नशे की, गांजे की लत लगती है, क्योंकि एक पीयर प्रेशर होता है, दोस्त लोग बोलते हैं कि एक बार सिगरेट पीने से कुछ नहीं होता, ये तो कूल है जी। तो इस समय से ये सब बीमारियां आ जाती हैं, सब्सटेंस यूज़ आ जाता है, सब्सटेंस के साथ धीमे धीमे डिपेंडेंस पैटर्न आ जाता है, अपने जो मेन लक्ष्य हैं जीवन के उससे आदमी भटक जाता है और उसको मेंटल इलनेस हो जाती है। तो ये एक बहुत ही नाजुक एज होती है, इसमें बहुत फैमिली को सपोर्ट रखना चाहिए अपने बच्चे के साथ, और अगर ना हो तो हमारे पास आना चाहिए, कोई प्रॉब्लम हो, नहीं हैंडल कर पा रहे हैं बच्चे को,
तो हमारे पास आना चाहिए, कंसल्टेशन लेना चाहिए बिना किसी स्टिग्मा को कंसिडर किए हुए। जी तो दर्शकों आपको बता देते हैं, आज हम चर्चा कर रहे हैं मानसिक बीमारियों के बारे में डॉक्टर सागर लवानिया के साथ, जो कि FH मेडिकल कॉलेज में प्रोफेसर और HOD हैं, मनोचिकित्सा विभाग के SN में भी ये काम कर चुके हैं और इनका सेंट्रल बैंक रोड पर कमला नगर में क्लिनिक भी है जहां आप इनसे संपर्क कर सकते हैं अगर आपको जो महत्वपूर्ण जानकारियाँ पहुँचाई गई हैं, जो लक्षण बताए गए हैं मानसिक बीमारियों के बारे में, चाहे वो बच्चा हो, यूथ हो या एडल्ट्स में भी ये प्रॉब्लम हो सकती है। तो अगर आपको कोई भी ऐसे लक्षण दिखते हैं तो आप तुरंत चिकित्सक से संपर्क करिए और चर्चा आगे बढ़ाते हैं और जानेंगे डॉक्टर से कि जो यूथ की हम बात कर रहे हैं, यूथ अब कहीं ना कहीं अवेयर हो चुका है उन चीज़ों से, लेकिन फिर भी अगर देखें तो एक कौन सा वो पॉइंट है जिसको लेके कहीं ना कहीं इग्नोर कर देता है वो, और वो अपनी डेली लाइफ है वो ऐसे कैसे रखे कि इन सब चीज़ों से बच पाए वो। देखिए यूथ का जो टाइम अगर है, मैक्सिमम टाइम जो स्पेंड होता है अगर यंग एडल्ट का या एडोलेसेंट का, तो स्कूल में होता है या फिर कॉलेज में होता है। तो हम लोग ये देखते हैं कि जो घर में एक्टिविटी हो रही है वो तो पेरेंट्स देख लेते हैं, लेकिन जो स्कूल में एक्टिविटी हो रही है या जो कॉलेज में एक्टिविटी हो रही है उसके बारे में पेरेंट्स को पता नहीं होता। तो हमेशा मैं पेरेंट्स से इस बारे में ये बोलता हूँ कि हमेशा जो बच्चे के स्कूल के फ्रेंड्स हैं उन फ्रेंड्स से हमेशा कांटेक्ट में रहो, उनसे भी दोस्ती बना के रखो जी। क्योंकि जैसे बच्चा बड़ा होता है तो फिर वो बच्चा नहीं होता, वो उससे आपको दोस्ती बनानी पड़ेगी जिससे वो आपको सब चीज़ शेयर कर सके। तो आप अपने बच्चे से दोस्ती तो बनाओ, साथ में उसके दोस्तों से भी दोस्ती बनाओ, जिससे अगर कोई बात क्लास में होती है तो अगर आपका बच्चा नहीं बता रहा तो आप उस बच्चे के दोस्त बता सकें आपको। सिमिलरली ये भी एडवाइस करते हैं कि टीचर से जाके जब पेरेंट टीचर मीटिंग होती है तो उनसे मिलें, और साथ में बीच बीच में कभी आप बच्चे के बारे में फीडबैक लेना चाहते हैं, अगर कोई घर में देख रहे हैं कोई प्रॉब्लम है तो उसको टीचर के साथ भी डिस्कस कीजिए कि क्या ऐसा कोई प्रॉब्लम स्कूल में भी आ रहा है। सिमिलरली कॉलेज में भी ऐसा ही है कि टीचर से डिस्कस करिए, नहीं तो सबसे अच्छा मैंने देखा है कि इन्फॉर्मेशन का सेंटर पे जो पेशेंट है उसके फ्रेंड्स रहते हैं ऐसे समय में। एक और प्रॉब्लम देखी गई है, आजकल बुलिंग बहुत होती है जी। इस पर मैं बोलना चाहूँगा, साइबर बुलिंग भी होती है, फिजिकल बुलिंग होती है, वर्बल बुलिंग होती है। एक तरह की बुलिंग साइबर बुलिंग मैं एग्जांपल दूंगा, व्हाट्सएप ग्रुप से अगर किसी को निकाल दिया तो लोग बड़ा डिप्रेस हो जाते हैं, अगर किसी को फेसबुक पे लाइक नहीं आए तो बड़ा डिप्रेस हो जाते हैं, और वो एक तरह की कई बार देखा गया बुलिंग है। तो इसमें मैं यूथ को एक ही चीज़ एडवाइस करूँगा, कोई भी फैसला लें तो उसमें इमोशनल आस्पेक्ट अपना अलग कर दें और उसमें जो आपको लगता है सही फैसला होगा वो लें, और उस फैसले में हमेशा अपने पेरेंट्स को इंक्लूड करें जी। तो दर्शकों आज के हमारे एपिसोड में हमने चर्चा की डॉक्टर सागर लवानिया के साथ कि कैसे आप मानसिक बीमारियों से बच सकते हैं, उनके जो सिम्टम्स हैं उन्हें देखकर आपको सतर्क होने की ज़रूरत है और कहीं ना कहीं जो मन में भ्रांतियां बनी हुई हैं उनको हटाने की ज़रूरत है, क्योंकि समय रहते अगर आपको इसका ट्रीटमेंट नहीं मिलेगा तो बीमारी बढ़ सकती है। तो आज के हमारे इस एपिसोड में इतना ही, इन तमाम महत्वपूर्ण जानकारियों के लिए डॉक्टर का हम शुक्रिया अदा करते हैं। डॉक्टर आपका बहुत बहुत शुक्रिया। दर्शकों जैसा कि हमने आपको बताया है कि मानसिक बीमारियों से आपको डरने की ज़रूरत नहीं है, जो महत्वपूर्ण जानकारियां आप तक पहुंचाई गई हैं कहीं ना कहीं आपको ध्यान में रखने की ज़रूरत है उन्हें, उनसे बचिए, अपनी दिनचर्या सही रखिए और हमेशा खुश रहने की कोशिश करिए, क्योंकि वही एक मूल मंत्र है जो आज की भागदौड़ भरी ज़िंदगी में आपको स्ट्रेस में आने से रोक सकता है। तो फिलहाल हमारे इस एपिसोड में इतना ही, अगले एपिसोड में फिर हाजिर होंगे, तब तक हमें दीजिए इजाज़त, नमस्कार।